बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। टुडे 14 दिसंबर एंड लेक्चर नंबर 1 क्लास 4 यूनिट नंबर 9। दिस इज़ अबाउट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। दिस इज़ योर क्लास की आप जो साइंस की बुक है या उसका आपका ये वो पेज है, उसका फर्स्ट पेज है साइंस फैक्टर, टाइटल पेज था। अब आपका यूनिट नंबर 9 है बेटा। ये यूनिट जो है इट इज़ अबाउट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी? आपने देखा है आपके घरों में जो लाइट्स जलती हैं, आपके घरों में जो आपकी मदर ग्राइंडर यूज़ करती हैं किचन में, वॉशिंग मशीन आप लोग चलाते हैं जिसके ज़रिए आप कपड़े अपने वॉश करते हैं, फ्रिज आपके घर में हर वक्त ऑन रहता है, कंप्यूटर आप यूज़ करते हैं, क्या सोचता है आप लोग इसके बारे में कि ये कैसे वर्क करते हैं? जैसे बेटे आप लोग अपना काम करने के लिए आप लोग खाना खाते हैं, क्यों खाना खाते हैं, हम क्यों फूड लेते हैं, वाई वी इनटेक फूड? हम खाना इसलिए खाते हैं बेटा कि हमें एनर्जी दे, ये एनर्जी दे ताकि वो एनर्जी हम यूज़ करके डिफरेंट अपने काम कर सकें। एनर्जी किसे कहते हैं? पावर को कहते हैं, कुव्वत को कहते हैं, ताकत को कहते हैं। सेम ऐसे ही ये जितने आपके पास इलेक्ट्रिकल अप्लाइंस होते हैं, चाहे वो आपका कंप्यूटर है, चाहे वो आपका मोबाइल है जिसे आप चार्ज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी से, चाहे वो आपके घर में चलने वाला फ्रिज है, चाहे वो आपके घर में होने वाले छोटे छोटे अप्लाइंस हैं जिनके ज़रिए आपकी मदर ग्राइंडर यूज़ करती हैं, आपकी मदर बीटर यूज़ करती हैं, आप ओवन यूज़ करते हैं, माइक्रोवेव, सब वो अप्लाइंसेस हैं दैट जो हैं वो यूज़ इलेक्ट्रिसिटी। ये सब वो चीज़ें हैं जो इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी असल में इनको क्या प्रोवाइड करती है बेटा? इलेक्ट्रिसिटी इनको एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो क्या हुआ आपके जहन में, अब क्या आना चाहिए कि इलेक्ट्री इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी की, ताकत की, कुव्वत की एक किस्म है, एक टाइप है। देखिए ना, आपकी डिफरेंट चीज़ें जो है अगर वर्क कर रही हैं तो उन्हें एनर्जी की ज़रूरत थी, और एनर्जी कौन प्रोवाइड कर रहा है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रही है। तो इससे क्या साबित होता है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एक टाइप है किस चीज़ की? एनर्जी की। एनर्जी किसे कहते हैं? जैसे मैंने आपको पहले बताया, जैसे आप लोग खाना खाते हैं, कोई चीज़ फ्रूट खाते हैं, मिल्क लेते हैं, कोई सप्लीमेंट लेते हैं ताकि आपको वो एनर्जी दे, आपको ताकत दे, ताकि आप वर्क कर सकें। जब आप काम नहीं कर पाते हैं तो आप मदर कहती है ना, बेटे आप भूखे, आपने खाना नहीं खाया, खाना खा लें, खाना खाओगे तो अच्छे से पढ़ोगे, खाना खाओगे तो अच्छे से खेल सकोगे, खाना खाओगे तो अच्छे से आप लोग अपनी ज़िंदगी जो है वो बसर कर सकते हो, अच्छी तरह आप लोग अच्छे खाना खाने से आप सेहतमंद रहते हो, फूड आपको हेल्दी रखता है। तो हेल्दी रखने की वजह यह है बेटा कि वो आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है, ये वो एनर्जी होती है जिससे कि आप काम करते हैं। अब आप जब बेटे काम करते हैं, आप अपने बॉडी पार्ट यूज़ करते हैं, बॉडी पार्ट वर्क करते हैं, उनको इसके लिए भी ताकत की ज़रूरत होती है, जो आपको फूड प्रोवाइड करती है, ताकत एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो यहाँ हम जो पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, जो डिफरेंट चीज़ों को आपके घर में जो होती हैं उन सबको ताकत एनर्जी प्रोवाइड करती है, यानी इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी। ये क्या है? इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी। ये अपने दिमाग में बिठा लेंगे, आप सोचें इलेक्ट्रिसिटी क्या है, क्या होती है इलेक्ट्रिसिटी। मगर सबसे पहले तो ये है क्या, ये एक फॉर्म है, ये एक टाइप है किस चीज़ की? एनर्जी की। इट इज़ क्रिएटेड बाय द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं तो ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, या हम कह सकते हैं मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? दिस इज़ अ मूविंग इलेक्ट्रॉन। और इट इज़ क्रिएटेड, ये बनती है, ये बनाई जाती है, ये प्रोड्यूस होती है, कैसे? बाय द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स की हरकत से। अब क्वेश्चन ये होता है कि इलेक्ट्रॉन्स हैं कहाँ और क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स आर इनसाइड एटम्स। इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इन एटम के अंदर होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स के अंदर, इलेक्ट्रॉन्स एटम के अंदर होते हैं, तो क्वेश्चन क्या होता है कि एटम क्या है? क्या है क्वेश्चन? एटम क्या है कि इसका आपने पूरा स्ट्रक्चर जो है आपके नीचे देखें गिवन है कि ये इसका न्यूक्लियस है, और ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ये इसके डिफरेंट ऑर्बिट हैं, एक ये ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट है, ये, और ये जो इसके अंदर ये आपके ये कर रहे हैं ना, ये ऑरेंज से कलर के नज़र आ रही हैं, दीज आर ऑल, ये जो हैं ये वाले सारे, ये वाले बेटा, दीज आर इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या हैं?
इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये क्या करते हैं, ये हर वक्त मूव करते रहते हैं, हर वक्त ऑर्बिट में या रिवॉल्व करते रहते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। जिस तरह आपकी अर्थ अराउंड द सन रिवॉल्व कर रही है और प्लैनेट्स जो हैं आपके पता है ना 8 प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में, वो सब के सब जिस तरह रिवॉल्व कर रही हैं अराउंड द सन इन डिफरेंट ऑर्बिट्स, सेम ऐसे आप देखें कि इलेक्ट्रॉन्स आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑन देयर ऑर्बिट्स, अपने ऑर्बिट्स के अंदर, अपने ऑर्बिट के ऊपर चलते हुए, अपने स्पेसिफिक रास्ते के ऊपर चलते हुए वो क्या कर रहे हैं, दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द बिल्कुल इन द सेंटर ऑफ द एटम। एटम के बिल्कुल दरमियान में क्या है, न्यूक्लियस है, ये बड़ा सा जो बना हुआ है। और न्यूक्लियस के अंदर आप लोग फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे कि जो और सब पार्टिकल्स हैं जो एक एटम में मौजूद होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, वो दोनों के दोनों इस न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। एंड थर्ड पार्टिकल जो कि इलेक्ट्रॉन है, जिसके बारे में आपने पढ़ा कि द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, इन इलेक्ट्रॉन्स का मूव करना इलेक्ट्रिसिटी बनाता है, वो इलेक्ट्रिसिटी जो एक एनर्जी है, वो इलेक्ट्रिसिटी जो आपके घर में आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को एनर्जी प्रोवाइड करती है, वो बन कहाँ से रही है, इन इलेक्ट्रॉन्स की मूव करने से। और ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं, इन बिटवीन द एटम, एटम के अंदर न्यूक्लियस के गिर्द यहाँ रिवॉल्व कर रहे हैं। क्या लिखा हुआ है आपकी बुक में कि इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट अराउंड द मिडल ऑफ द एटम इन द सेम वे दैट प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम ऑर्बिट अराउंड द सन। ये बिल्कुल ऐसे ही है बेटा जिस तरह मैं अभी आपको पहले बता चुकी हूँ कि सोलर सिस्टम में सन के गिर्द, सूरज के गिर्द उसके आपके जो प्लैनेट्स हैं आपके सोलर सिस्टम के, आपने पढ़ा होगा ना, सबसे पहले मरकरी है, फिर वीनस है, फिर अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, नेपच्यून, प्लूटो, ये सब जो हैं इनके गिर्द जो है आपके सोलर सिस्टम में जो ये प्लैनेट्स वो मूव कर रहे हैं। देखिए उन सब के भी अपने अपने ऑर्बिट हैं, जिस रास्ते पर चल रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन्स, ये वाले ये सब, ये इसका ऑर्बिट है। बिल्कुल बिल्कुल सेम ऐसे ही कि अर्थ अपने सन के गिर्द जिस रास्ते पर सफ़र कर रही है वो ऑर्बिट है, और ऐसे ही इलेक्ट्रॉन जिस रास्ते पर मूव कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस इट्स कॉल्ड ऑर्बिट। और ये कहाँ होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द एटम, इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द एटम एंड इट इज़ क्या, और ये क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं व्हेन दे मूव, जब वो मूव करते हैं दे प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, जब वो मूव करते हैं दे प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, वो बिजली बनाते हैं। ये वही बिजली है बेटे जिसके ज़रिए कि आप लोग अपने घरों में चीज़ों को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ताकि वो वर्क कर सकें। यहाँ तक बेटे आपको अच्छी तरह समझ आ गई, इसी के मुताबिक आपका होमवर्क भी है जो मैं आपको इसके बाद दूंगी। और ये नेक्स्ट जो आपकी एक वर्कशीट है वो ये है बेटा कि आपने ड्रॉ करना है एक एटम, ये एक एटम है, देखें ये इसके अंदर ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं। आपने सब इसको इसी तरह ड्रॉ करना है अपनी नीट नोटबुक पे इलेक्ट्रॉन को। आप इसको भी बताएंगे कि ये जो है ये वाला रास्ता जो है, ये वाला रास्ता जो है जिस पर कि ये मूव कर रहे हैं, ये ऑर्बिट है, ये न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और रेड और पर्पल जो बने हुए प्रोटॉन और ये न्यूट्रॉन्स हैं, दीज आर इलेक्ट्रॉन। इसे आपने नीटली अपनी कॉपी पे ड्रॉ करना है और आपने इसे अंडरस्टैंड भी करना है और लेबल भी करना है। नेक्स्ट आपका बेटे क्वेश्चन बन जाती हैं जो इस पेज पे दो आपके हो रहे हैं बनते हैं कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी। चैप्टर नंबर 9 आपका साइंस का लेसन है और फर्स्ट इसका क्वेश्चन जो बन रहा है लेक्चर 1 में वो है व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी इज़ आ टाइप ऑफ एनर्जी, इट इज़ क्रिएटेड बाय द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कैसे बनती है इलेक्ट्रिसिटी, इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी, इट इज़ क्रिएटेड बाय द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये आपने बहुत नीटली लिखना है और ये अच्छी तरह लर्न भी करेंगे। उसके बाद क्या है कि व्हाट इज़ करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड हाउ इट इज़ प्रोड्यूस, करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है और ये कैसे बनती है।
करंट इलेक्ट्रिसिटी बेटा, ये जो आप लोगों के घरों में बिजली के जो इलेक्ट्रिकल वायर होते हैं जिसके थ्रू जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है ना, वो क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी इज़ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, चलती है उन वायर्स में, उन केबल्स में जो कि आपने लगाई हुई हैं, तो आप उसे क्या कहते हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी। एंड इट इज़ प्रोड्यूस व्हेन इलेक्ट्रॉन स्टार्ट जंपिंग फ्रॉम वन एटम टू अनदर। और ये कब बनती है? जब, कब, कैसे? इट इज़ प्रोड्यूस, बनती है व्हेन इलेक्ट्रॉन स्टार्ट जंपिंग, जब इलेक्ट्रॉन जंप करना शुरू करते हैं एक एटम से दूसरे एटम, एक एटम से दूसरे एटम में, ऑल इन सेम डायरेक्शन, और सब एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हों तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। सब एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हों तो क्या होता है बेटा? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। दोबारा समझें कि व्हाट इज़ करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड हाउ इट इज़ प्रोड्यूस। करंट इलेक्ट्रिसिटी जिससे कि आपके होम अप्लायंस चल रहे हैं, आपकी लाइटें, आपके पंखे, एसी, आपकी जो आपका घर में पंप है, वाटर पंप है, आपका कंप्यूटर है, आपका टैबलेट है, सब जो इलेक्ट्रिसिटी से चल रहे हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कैसे हो रही है, बन कैसे रही है, यानी करंट आप देखें इलेक्ट्रिसिटी किसे कहते हैं? एनर्जी है ये, और ये मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनती है। मगर जो जब ये फ्लो कर रही होती है केबल्स में, वायर्स में, बड़ी बड़ी तारों में, लंबी लंबी तारों में, तो इसे हम क्या कह रहे होते हैं? इसके फ्लो करने को हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या कहते हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी। और ये कब बनती है? जब इलेक्ट्रॉन, आपने पढ़ा है ना, मैंने आपको पहले बताया कि आपके ये देखिए ये मूव कर रहे हैं अपने अपने ऑर्बिट में। अब जब ये अपने ऑर्बिट से दूसरे एटम के ऑर्बिट में चले जाएंगे, किसी सात वाले एटम के ऑर्बिट में, ये सात वाले एटम के ऑर्बिट में चला जाए, या ये मूव करता रहता सात वाले एटम के ऑर्बिट में चला जाए, तो क्या होगा? ये उस वक्त जब स्टार्ट जंप करेंगे, जंपिंग करना स्टार्ट करेंगे फ्रॉम वन एटम टू अनदर, तो ये क्या करेंगे? ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। बट प्रॉब्लम क्या है? सब एक ही सेम में जंप करके मूव कर रहे हो, सब के सब एक ही सेम डायरेक्शन में, एक ही सेम्थ में, एक ही साइड पर मूव कर रहे हो, एक ही साइड पर, एक ही डायरेक्शन में इनकी ये मूवमेंट होनी चाहिए। ठीक है बेटा, अपना नीट नोटबुक पे वर्क करिएगा, मार्जिन ड्रॉ करके नीटली वर्क करिएगा अच्छे से, और अपना इसे लर्न भी करिएगा। अस्सलाम वालेकुम।